सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस के साथ साथ छत्तीसगढ़ के बलरामपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रहे बेटियों के साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घटना के खिलाफ शुक्रवार को बरवाड़ी प्रखंड मुख्यालय में संयुक्त ग्राम सभा के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता कन्हाई सिंह के नेतृत्व में दर्जनों गाँवों से आए ग्रामीण महिला पुरुषों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा न्याय मार्च निकालकर देश की बेटियों की रक्षा करने को लेकर गुहार लगाया गया। न्याय मार्च की शुरुआत पुराने प्रखंड कार्यालय परिसर के मैदान से शुरू हुई, जो बाजार समेत पूरे नगर भ्रमण करने के बाद प्रखंड कार्यालय परिसर में आकर संपन्न हो गई, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय को राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपते हुए हाथरस बलरामपुर के साथ साथ पूरे देश में बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई और बेटियों की सुरक्षा की मांग की गई। इस दौरान देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर जमकर नारेबाजी की गई और अपराधियों को चिन्हित कर कठोर से कठोर सजा देने की मांग की गई। बरवाड़ी से संजू श्रीवास्तव के साथ संतोष सिंह की रिपोर्ट। क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? आज हम लोग हाथरस सहित जो बलरामपुर में जो जिस तरह के जघन्य अपराध बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ जो हो रहे हैं पूरे देश में, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पूरे देश की महिलाओं को जो रेप से पीड़ित हैं, उन तमाम बेटियों को, बहनों को उसका न्याय मिले, उसको न्याय मिले। इस सवाल को लेकर हम लोग आज प्रोटेस्ट किए हैं।